आज की वीडियो में बात उन डिबेट की करते हैं जिनमें बीजेपी प्रवक्ताओं को विपक्षी नेताओं ने अपने सवालों या अपने जवाबों से चुप करवा दिया हो। आज तक की डिबेट में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। इसके जवाब में विपक्षी नेताओं ने विकास और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता को घेर लिया। हवाई जहाज का फीते पे उतरा था क्या? अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, डिफेंस कॉरिडोर आज तक बताइए कभी उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर रहा है? आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल भी अब उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। कभी हम लोग कल्पना नहीं करते कि दक्षिण भारत से बाहर आके हाईटेक इंडस्ट्री बनेगी। जैसे इनकी बुलेट ट्रेन चल रही थी ना, वैसे ही बनाने जा रहे हैं। जैसे वो बना बनारस को क्यों बनाने जा रहे थे? क्या बाप रे बाप, रोड तो बना लो पहले, गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। घर के सामने की रोड तो ठीक कर लो प्रभु, आपके घर के पास ही घर है, उसको भी ठीक कर लो, वही कर लो तो हम समझ जाएं कुछ कर लिया। नहीं है, अरे भैया लखनऊ तो है, सरकार आपकी है। और सुन लो, जब समाजवादी की सरकार थी तो समाजवादी जो एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस वे बनाता उसी जहाज की नकल करके आपने जहाज उतारा, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादी की थी। जब समाजवादी के वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले, आपकी योगी जी कहां जा रहे पता है? गाड़ी के पीछे पीछे बैठा लो भैया, हमने बनाया, बैठाओ नहीं बैठा। न्यूज 18 पर हुई डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी की आलोचना की, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने कुछ सवाल बीजेपी प्रवक्ता के सामने रखे जिसका वह ठीक से जवाब ना दे पाए। मैं कहता हूं आज ये बात कह दे, मुलायम सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री 1993 में कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, आज वो विड्रॉ कर लेंगे। कह दे मैं नहीं करता हूं। धर्म की राजनीति कहां से आई? नरसिम्हा राव ने कहा कि हम मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, फिर महंगाई पे बात नहीं, फिर रोजगार पे बात नहीं। अरे भाई धर्म क्या, देश को बनाना चाहते हो? मैं बार-बार महंगाई की बात कर रहा हूं, आप बात नहीं करना चाहते। चलो महंगाई की बात पास करके, हम महंगाई की बात करते हैं। क्या हुआ महंगाई की बात करते हैं? अच्छा चलिए चलिए, आप खाली ताली पीट के ताली पिटवाना चाहते हो, कमाल की बात है। आज महंगाई की रेट, अरे भैया अनुराग को देखिए, तो आलू खरीदने जाता है, प्याज खरीदने जाता है, टमाटर खरीदने जाता है। आप महंगाई दर कहां लिए घूम रहे? पेपर में फर्जी बनाए, उसको पता है कि पैसा देंगे तो 80 रुपए किलो महंगाई दर कितनी है उसको ये मालूम है। आज तक पर हुई एक डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्षी नेताओं को घेरना शुरू किया, जिस पर विपक्षी नेताओं ने अपने जवाब में बीजेपी प्रवक्ता की क्लास लगा दी। आप देखिए, औरंगजेब का नाम प्रधानमंत्री जी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एनएसओ की रिपोर्ट ने बताया कि किसानों की आय जो प्रधानमंत्री जी कहते थे बरेली की रैली में 2016 में की आय दोगुनी कर दूंगा, उनकी आय 27 रुपए रह गई। गौरव भाटिया जी 74,000 रुपए के औसत कर्ज में हिंदुस्तान के किसानों को डाल दिया, इसलिए औरंगजेब की लड़ाई आप सामने खड़ी करना चाहते हैं। इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए, इतिहास और प्रधानमंत्री जी ने आपके बूंद ली, इसलिए जहाँ तक जिंदा की पार्टी का प्रश्न है, अलग पाकिस्तान के करने वाले फजलुल हक के साथ सरकार किसने बनाई? फजलुल हक के साथ सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी। न्यूज 18 पर एक डिबेट में सपा के प्रवक्ता विकास के मुद्दे पर और बार बार नाम बदलने के मुद्दे पर बीजेपी नेता को घेरना शुरू किया, तो गौरव भाटिया ने उन्हें बीच में टोका, पर सपा प्रवक्ता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करा, आप साइकिल पे चल रहे हैं, वो तो फाइटर जेट पे चल रहे हैं, तो साइकिल कब तक पीछा करती रहेगी फाइटर जेट का? अमेश जी, माननीय मोदी जी तो हवाई चप्पल से लोगों को हवाई जहाज पर चलाने की कोशिश कर रहे थे, लोग साइकिल पे आ गए। राम राम जपना, पराया माल अपना, इवेंट मैनेज किया गया है, पूरे देश ने देखा। हमारे काम का फीता काट करके आज उस पर जिस तरीके से फाइटर प्लेन चला करके इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की, इनकी सोच मानसिकता देखिए कि आज इनको पता है कि इनके पास बताने के लायक कुछ नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से दूसरों के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रंग और नाम बदलने के अलावा इन्होंने प्रदेश में कुछ नहीं काम किया है। दूसरों के नाम का इस्तेमाल करते हैं, नाम बदलते हैं। आप ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वो इकाना का मामला हो, स्टेडियम का मामला हो, चाहे 100 डायल 100 का मामला हो, काम बताए ना भैया, जो जैम हमने बताया वही जैम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इन डिबेट को देखने के बाद क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।